हेलो, मैं हूँ इस समय मैक्लोडगंज में। मैक्लोडगंज पहले आ चुका हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था पहाड़ों पे आए हुए, तो कुछ एक 5 दिन की छुट्टी मिली तो मैं मैक्लोडगंज आ गया। मुनार में भी वैसे मैं गया था अभी कुछ दिन पहले, पर वहाँ के पहाड़ इतने ऊंचे नहीं हैं, तो आई थॉट कि चलो इस बार वापस ऊंचे पहाड़ों पे कहीं जाया जाए। तो थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ कैसे कैसे अभी तक यहाँ पहुँचा। अभी मैं एक मैक्लोडगंज में ही एक हॉस्टल है, फ्लुगलर्स हॉस्टल, यहाँ पे हूँ। पूरा जर्नी कुछ इस तरह से रहा कि कल करीब 5 बजे फ़्लाइट थी मेरी मुंबई से, 7:15-7:30 के आसपास दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड किया। उसके बाद फिर वहाँ से दिल्ली मेट्रो की जो एयरपोर्ट लेन है वो पकड़ के न्यू दिल्ली स्टेशन पहुँचा। वहाँ से फिर येलो लाइन पे विधानसभा मेट्रो स्टेशन पहुंचा। वहां से फिर ऑटो पकड़ के एक मजनू का टीला नाम से एक जगह है। मजनू का टीला क्यों बोलते हैं उसे, आई हैव नो आइडिया। शायद वहां से मजनू उस टीले से बैठ के लैला को देखता होगा, कुछ कुछ समथिंग लाइक दैट। पर वहां पहुंचा, फिर वहां से वहां पे एक गुरुद्वारा है, वहां गुरुद्वारे के पास से बसेज चलती हैं, ये हिमाचल की जो बसेज हैं। तो बस चलने का टाइम था करीब 9 बजे, लेकिन बस चली करीब 11 बजे। इंडो कैनेडियन ट्रैवलर्स की बस थी, काफ़ी पैथेटिक सर्विस थी। सुबह मैक्लोडगंज पहुंचने का टाइम था 8 बजे, यहाँ पहुंचाया इन लोगों ने 10:30 बजे। तो काफ़ी टाइम ख़राब हो गया, काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया हम लोगों का। अभी मैं निकला हूँ सिटी घूमने के लिए। बादल आए हुए हैं, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। तो मैक्लोडगंज में ऐसे सिटी एरिया में ही जहाँ मार्केट वगैरह घूमूंगा आज। तो अभी जो मैक्लोडगंज में मोनेस्ट्री है वहाँ जाता हूँ सीधे। मैं इस समय खड़ा हूँ
मैक्लोडगंज के दलाई लामा टेम्पल में। ये एक मॉनेस्ट्री है और तिब्बतन बुद्धिज़्म के लिए एक काफ़ी फेमस सेंटर माना जाता है मैक्लोडगंज में। मार्केट से होते हुए आप किसी से भी पता कर सकते हैं मेन मॉनेस्ट्री किधर है, कोई भी आपको बता देगा। ये है मॉनेस्ट्री का प्रेमिसेस। मैं थोड़ा साइड में आके वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सपोजिटली एक मॉनेस्ट्री थोड़ा शांत जगह माना जाता है जहाँ पे लोग चैंटिंग करते हैं। अभी भी ऊपर जो मेन प्रेमिसेस है अंदर वहाँ चैंटिंग चल रही है, लेकिन एज़ यूजुअल टूरिस्ट उस शांति की और उस पीस की रिस्पेक्ट तो कभी करते नहीं हैं। तो बच्चे दौड़ रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, लोग एक दूसरे को चिल्ला चिल्ला के बुला रहे हैं, काफ़ी मेस क्रिएट हो गया है। तो जो टिपिकली शांति वाली चीज़ मानी जाती है कि मॉनेस्ट्री में काफ़ी शांति होती है, वो बचा नहीं है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि जब भी हम इस तरीके किसी जगह पर जाते हैं तो थोड़ा वहाँ के जो लोग हैं उनके इमोशंस, उनकी जो भावनाएं हैं उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। लोग यहाँ पे एक पर्पस के लिए आते हैं, ऐसा ना हो कि हमारे बिहेवियर से उनको प्रॉब्लम हो, जो कि काफ़ी देखा जाता है।